इन्होंने लिखित में हमें अपनी दिक्कतों के बारे में बताया, जैसे पानी और सीवर की वहाँ दिक्कत रही होगी। मुझे लगता है कि वो जो बालाजी कॉलोनी है, न्यू अप्रूव्ड कॉलोनी है, बजट आएगा जैसे जिस तरीके से बजट आएगा उसके अंदर विकास कार्य चलते रहेंगे। और जो आपने ज्ञापन दिया है आज HO साहब के मार्फत, हम इसको शीघ्र उच्च अधिकारियों तक पहुँचाएँगे। सर, हम यहाँ सीवर के लिए आए हैं, हमारे यहाँ पर बहुत समस्याएँ हैं सीवर की, पानी की, सड़कों की, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है जी। जो हमारे MC है वो इस टाइम चेयरमैन है, लेकिन हमने उनको इलेक्शन के टाइम पे देखा था, उसके बाद हमने नहीं देखा। इलेक्शन के टाइम पे वो लोगों के घर 20-20 बार गए, आज लोग उनके घर 100 बार जा रहे हैं तो उनको मुलाकात नहीं हो पाती। परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी तो सीवर की है जी। हमारे घर के बिल्कुल साथ में 10 घरों का पानी जाता है एक प्लाट में, जिसकी वजह से हमारे घर की टैले बैठनी शुरू हो गई है। अगर मेरे मकान को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और गवर्नमेंट कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान, हमारे वहाँ ये देखो ना कौन सा स्वच्छ है, जितनी गंदगी हमारी कॉलोनी में है शायद किसी का में आए हैं जी। हम बहुत परेशान हैं बालाजी कॉलोनी में, इतने परेशान हैं कि 10 घरों का एक ही खड्डे में पानी आ रहा है जी। और इतना मच्छर है, इतने स्मेल है, हम तो प्रिंस के घर में पूरे 15 दिन सुबह शाम जाती रही। उसके पापा और मम्मी कहते हैं चाय पी लो, बस आ जाएगा, कभी नहीं मिले मेरे को। मैं थक चुकी हूँ, मैं इतनी परेशान हूँ और मैं बीमार रहने लगी हूँ जी। मेरे को इतना मच्छर कीड़े परेशान कर रहे हैं। क्या क्या बैठ गया, हमें साल हुआ घर बनाए, हमारी टैलें बैठ गए घर की जी। और उस कॉलोनी में कूड़े वाला भी नहीं आता, कितने पानी की निकासी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी जी। एक ही खड्डे में 7 घरों का पानी आता है और लोग गाड़ियाँ धोते हैं अपनी, कह रहे हैं क्या हुआ। पर परेशानी कितनी, हमें बहुत परेशानी है, हम बहुत थक। बालाजी कॉलोनी है, वार्ड 7, और ये उस कॉलोनी के निवासी है जिसका आज शहर में चेयरमैन बना हुआ है प्रिंस वीर का, और उसका घर है वहीं पर, और उसके पीछे इनकी बढ़िया बढ़िया कोठियां हैं। इस शहर में सबसे बड़ी कोठियां, सबसे अच्छी कोठी जाकर देखोगे बालाजी कॉलोनी में। पर वहां जाकर के देखोगे कि एक लड़की है उसको कैंसर हो गया है, एक महिला है उसको भी कैंसर हो गया है, वहाँ शिविर व्यवस्था नहीं है, वहाँ सड़कें टूटी हुई है। और बताते हैं कॉलोनी वाले सड़कें वहाँ वहाँ बनाई है, जहाँ चेयरमैन साहब के बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते थे ना, उसको कार को गाड़ी को धक्का या कुछ भी खड़ा हो जाए तो वहाँ पर सड़कें बना दी है, ना वहाँ लाइटें हैं और ना वहाँ कबाड़ वाला आता है। तो आखिर में आकर 6-6 महीने तक चेयरमैन साहब के घर के आकर जान ला कर, चेयरमैन साहब कभी मिलते नहीं इनको, और आज नगर पालिका में आकर धरना प्रदर्शन करा है। 15-20 दिन का ये टाइम दे रहे हैं, पर ये बात ये है कि जहाँ का चेयरमैन उसके घर के पीछे युवा हालत और लाइटें जल्द से जल्द लगवा देंगे और गाड़ी मेरे घर से जाने